सिक्योरिटी ब्रांच बिलासपुर पुलिस ने एनएच चंडीगढ़ मनाली रोड पर कल्लर के पास अपनी टीम के साथ नाका लगाया हुआ था कि यातायात नियमों के तहत छोटी बड़ी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान रात को जब चंडीगढ़ की ओर से आ रही बस चेकिंग के दौरान व्यक्ति की बैग से 11.12 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है कि वो चिट्टा कहाँ से आया और कहाँ लेके जा रहा था। सिक्योरिटी ब्रांच बिलासपुर पुलिस ने हेड कांस्टेबल संजीव पुंडीर की अगुवाई में एनएच चंडीगढ़ मनाली रोड पर कल्लर के पास अपनी टीम के साथ नाका लगाया हुआ था कि यातायात नियमों के तहत छोटी बड़े गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान रात को जब चंडीगढ़ की ओर से आ रही बस को चेकिंग के लिए रोका गया तो चालक की पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस की चेकिंग के दौरान व्यक्ति के बैग से 11.12 ग्राम हीरोइन चिट्टा बरामद किया। व्यक्ति की पहचान आसिफ उत्तर नासिर रोड़ा सेक्टर बिलासपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस व्यक्ति से पूछताछ कर रही है कि वो चिट्टा कहां से ला रहा था और इसके पीछे किस किसका हाथ है और कहां से लेकर आया है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिलासपुर DSP संजय शर्मा ने बताया कि नाके के दौरान पुलिस को एक व्यक्ति के बैग से चिट्टा बरामद हुआ है और आज कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आगामी कार्रवाई जारी कर दी है और पूछताछ जारी है कि कहां से चिट्टे का कारोबार किया जा रहा है और कहां ये व्यक्ति सप्लाई करने जा रहा था। रात हमारी SIU की टीम, उन्होंने नाका लगाया हुआ था और एक बस HRTC की जो चंडीगढ़ से मनाली जा रही थी उस बस को रोक के जब तलाशी ली तो उसमें एक युवक जो यहाँ बिलासपुर का रहने वाला है उससे जो है वो 11.12 ग्राम जो है चिट्टा बरामद हुआ है। इस संदर्भ में थाना सदर बिलासपुर में NDPS एक्ट के अंतर्गत जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करके जो है वो आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पुलिस जो है वो उसका रिमांड हासिल करके उससे हम पता लगाएंगे कि इस धंधे में उसके साथ और कौन कौन से संलिप्त है और जो भी व्यक्ति जो है वो उसके साथ साथी होगा उसके खिलाफ भी जो है पुलिस जो है वो कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई करेगी।